नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। वैसे खबरों पर सबसे बड़ी दस्तक आजकल ईडी की तरफ से ही दी जाती है, वो ईडी जिसने 12 जगहों पर नेशनल हेराल्ड केस में छापेमारी की थी। उस नेशनल हेराल्ड केस में जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, उसी में यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को आज सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जैसे ही कांग्रेस दफ्तर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी बढ़ी, वैसे ही गहमा गहमी बढ़ गई। किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो दफ्तर की तरफ होड़ लगाने लगे और ईडी एक बार फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी के राजनीति के बीच फंस गए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करें, डराए। विषय सरकार मालिक है, आज किसी का भी घर सील कर सकती है। अगर तानाशाही के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो देख लो, यही है भाजपा की तानाशाही। कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ के बाद, सोनिया गांधी से 12 घंटे के सवाल जवाब के बाद, मंगलवार को नेशनल हेराल्ड समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद, बुधवार शाम 5:15 बजे दिल्ली में यंग इंडियन के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, बी ब्लॉक, परिवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड। दैट्स द एड्रेस ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो दिस इज बीन डायरेक्टेड बाय नन अदर, देखिए, कुलदीप सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के दफ्तर में ईडी के ताले के बाद हलचल 3 जगह पर शुरू हुई। राहुल गांधी के घर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस का सुरक्षा घेरा बढ़ने लगा। सवाल उठा, क्या जैसे ईडी ने पूछताछ के बाद संजय राउत, पार्थ चटर्जी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, क्या कोई कार्रवाई का कदम ईडी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक अब उठ सकता है? ये 12 तुगलक लेन के जो राहुल गांधी का घर है उसके एक साइड एंट्री पॉइंट है, वहां पर अब जो है कांग्रेस पार्टी के नेता आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको हम यहाँ पे जो है दृश्य दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग अब राहुल गांधी के घर की ओर भी जो है पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया। कांग्रेस आरोप लगाती है कि 5 तारीख को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन तय किया उसी से डरकर सरकार के इशारे पर ईडी एक्शन ले रही। मामला कानूनी है मगर सियासी हो चला है। दरअसल खबर आई कि ईडी अपना शिकंजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कस सकती है और इसके मद्देनजर 10 जनपद और 12 तुगलक लेन पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता चला गया। आलम यह है कि रात हो गई है और अभी भी आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पे मौजूद है। हालांकि असलियत यह है कि कांग्रेस की एक बैठक थी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी बैठक बुलाई थी और महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ये कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस को लगा कि हम लोग पूरा जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए। पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं, तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले?
कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के बाद ट्वीट करके लिखा, सत्य की आवाज नहीं डरेगी। वो नहीं चाहते हैं कि इन इशू पे पूरा देश एक है और ये मुद्दे लोगों के बीच बार बार जाए, जिसके कारण ये किस लिए किया, क्यों किया, ये सरकार जवाब देगी। जब ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील किया, राहुल गांधी कर्नाटक में थे, दिल्ली के लिए निकल पड़े। सवाल ईडी की तेज होती कार्रवाई पर हुआ, जवाब सरकार परिवार के साथ आया। इस बीजेपी वांट्स दैट नथिंग इन इंडिया शुड बी मेड बाय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। दे वांट दैट एवरीथिंग शुड बी मेड बाय टू और थ्री ऑफ देयर फेवरेट बिग बिजनेस पीपल। दैट इज व्हाई दे चेंज दिस रूल। दस्तक देते हुए मुख्य सवाल यही है, क्या आगे ईडी गांधी परिवार के घर तक जांच कर सकती है? क्या सोनिया राहुल से 8 दिनों में 62 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी भी ईडी के तरफ से की जा सकती है? सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी दस्तक 12 दिन पहले बंगाल में ईडी ने दी थी, जब वहां के मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षा घोटाले में उनका नाम सामने आया, 2 मकानों पर छापेमारी की गई और 50 करोड़ के आसपास का कैश बरामद हुआ। 2 लोगों के नाम आए, पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता। 12 दिन में 5 बार छापे डाले जा चुके हैं, लेकिन पार्थ और अर्पिता दोनों की तरफ से बार बार 50 करोड़ को लेकर नानुकुर ही होती रहती है। ऐसे में आज तक की जो एसआईटी टीम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया है ऑपरेशन अर्पिता। Ministers in charge, please. अपने ही मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों के कैश मिलने के 10 दिन के भीतर ममता बनर्जी की सरकार ने सरकार की छवि पर उठते सवालों के बीच दागों को किनारे करने वाला एक कदम उठाया। दिल्ली दौरे पर आने से पहले ममता ने बंगाल में मंत्रिमंडल में बाबुल सुप्रियो समेत 9 चेहरे नए शामिल कर लिए। लेकिन क्या पार्थ की करीबी अर्पिता और अर्पिता के फ्लैट से मिले करोड़ों रुपए से लगता करप्शन का ये दाग छूट पाएगा? इस सच को बताएगा ऑपरेशन। ईडी के साथ जब भी अर्पिता मुखर्जी सामने दिखती, मीडिया के कैमरों की भीड़ में एक सवाल गूंजता, पैसा किसका है? जब ईडी की टीम के साथ मंत्री पद से हटाए जा चुके 1 अरब के पार के दावे वाले घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी दिखते, पत्रकार एक ही सवाल करते हैं, पैसा किसका है? ईडी के सामने पूछताछ हो या फिर मीडिया के सवाल, अर्पिता और पार्थ दोनों का इस भ्रष्टाचार की काली कमाई पर उलझाने वाला जवाब आता है। पार्थ और अर्पिता क्या करोड़ों के करप्शन पर खो खो खेल कर घुमा रहे हैं? इसीलिए आज तक को ऑपरेशन अर्पिता अंजाम देना पड़ा है।
जिससे पता चलेगा कागज पर कंपनियां दिखाकर क्या अर्पिता मुखर्जी और पार्थ फ्लैट से पकड़े गए इसी पैसे को आगे और घुमा देने वाले थे। अगर हाँ तो कैसे, इस सवाल का जवाब आपको ऑपरेशन अर्पिता में मिले उससे पहले देख लीजिए भ्रष्टाचार का ये करोड़ों रुपए का छापा खाना जो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से पकड़ा गया, उससे लेकर जनता में कितना गुस्सा है। इतना गुस्सा कि जब मंगलवार को अस्पताल चेकअप के लिए ईडी की टीम पार्थ चटर्जी को लेकर पहुंची तो कोलकाता में ये महिला अपनी चप्पल उतारकर पार्थ चटर्जी की तरफ फेंकती। अब इस वजह और गुस्से को सुनिए देखिए। क्या बातें चटर में जूते छुड़े मार लेंगे पार्क की करीबी अर्पिता के घर से निकले इन्हीं नोटों ने अब जनता को चप्पल फेंक कर मारने वाला गुस्सा दिलाया। आम आदमी के इस क्रोध की वजह है जनता के भरोसे पर नोटों की चोट पहुंचाने वाला करप्शन, जिसका सच बताते ऑपरेशन अर्पिता में आज आप जानेंगे। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की तीन कंपनियों का खेल क्या है, फ्लैट को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाने के आरोपी अर्पिता के साथी को डायरेक्टर का खेल क्या है, क्या एक ड्राइवर को डायरेक्टर दिखाकर अर्पिता मुखर्जी ने पार्थ के साथ करोड़ों का भ्रष्टाचार मिलकर अंजाम दिया है और अर्पिता मुखर्जी की कमाई के दावों वाली कंपनियों की हकीकत क्या है। मोहम्मद हिजबुल्ला के साथ मुनीश पांडे आज तक। तो भर्ती घोटाले में जो एक के बाद एक करोड़ों का कैश बरामद हुआ है उसमें अर्पिता का कनेक्शन क्या है, क्या अर्पिता वाकई इतना कमाती थी कि इतना कैश उनके घर पर हो सकता था, उनकी कमाई का जरिया क्या था, या फिर अर्पिता खुद एक जरिया थी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए। कंपनियां जो घाटे में दिखाई जाती हैं, लेकिन उन्हीं कंपनी के पैसे से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी फिर कैसे खरीदी जाती है। एक कंपनी जिसका मुनाफा 2200 रुपए होता है, 6 साल में मुनाफा 636 गुना कैसे पहुंच जाता है। तीन कंपनी में को डायरेक्टर जो बनाया जाता है वो कैसे पेशे से ड्राइवर होना पाया जाता है। आप कहेंगे मजाक है क्या, हम कहेंगे मजाक नहीं, दिमाग घुमा देने वाला सच है। चुनावी रैलियों से लेकर तमाम जगहों पर बंगाल के तमाम महकमों को संभालते हुए पूर्व मंत्री हो चुके पार्थ चटर्जी के साथ दिखती रही अर्पिता बनर्जी। आरोप है कि खेल ऐसा जिससे अच्छे अच्छों का दिमाग चकरघिन्नी हो जाए, जैसे ईडी के अफसरों को पूछताछ में अर्पिता जवाब देने में घुमाती। अर्पिता की भूल भुलैया वाली इन्हीं कंपनियों के खेल में आज तक संवाददाता मुनीश पांडे और मोहम्मद हिजबुल्ला दाखिल होते हैं, जिनसे पता चलता है कि तीन कंपनियां हैं, सिम्बॉयसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड काम होलसेल गुड्स का, सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड काम खास मशीनरी सप्लाई का, इच्छा एंटरटेनमेंट लिमिटेड काम मनोरंजन। ईडी की जांच में सामने आई तीन कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर नाम लिखा जाता है अर्पिता मुखर्जी का। अगर कंपनियां हैं तो क्या इन्हीं से कमाई अर्पिता मुखर्जी की होती रही, या घाटा दिखाकर भ्रष्टाचार के मुनाफे का खेल कुछ और है। इस सच को तलाशने के लिए आज तक संवाददाता मोहम्मद हिजबुल्ला ने ऑपरेशन अर्पिता के तहत पड़ताल की। पहली इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर अर्पिता मुखर्जी की इच्छा एंटरटेनमेंट लिमिटेड की। इस कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर पहुंचने पर कंपनी नहीं बल्कि शादी घर नुमा इमारत दिखती है, जिसमें टंगे लेटर बॉक्स पर सिर्फ एक सफेद कागज को टेप से चिपकाया गया है। इस पर लिखा है इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 95 राजकांगा मेन रोड, कसाबा, कोलकाता। क्या अर्पिता बनर्जी जिस इच्छा एंटरटेनमेंट कंपनी की डायरेक्टर है वो कंपनी यहीं से चलती है, चलती है तो क्या करती है। सच यहां पर तैनात गार्ड से हमने छिपे हुए कैमरे पर पूछा है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ये इसका ऑफिस इधर ही है ना, ये शादी ब्याह है ना, इच्छे हाँ। क्या है, बैंक्वेट हॉल है हाँ। तो ये इच्छे एंटरटेनमेंट भी ऑफिस इधर ही है हाँ। ऑफिस है या फिर ऐसी है, ऑफिस अपन बंद है। अच्छा, अपने ईडी रेड किया ना हाँ, उसी के लिए बंद है अपन। अच्छा, 31 तारीख में बुक था, उसके वो काम हो रहा है, वो लोग परमिशन दे के गया है। अच्छा, तो मैरिज हॉल है, इच्छे मैरिज हॉल। अच्छा, तो किस
कौन है मालिक? नया बच्चे के प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा, नया प्रोग्राम नहीं होगा। इसके कौन पर्थ पर्थ तक है वो मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो कौन यहाँ कौन मैनेज कौन करता है? मैनेज में कोई आदमी नहीं आया है। वो ईडी रेट किया है ना। हाँ। वो ईडी रेट का बात में कोई नहीं आया। जिस एड्रेस पर कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ मैरिज हॉल मिलता है, कंपनी नहीं दिखती। हैरान करने वाली बात ऑपरेशन अर्पिता में यह भी पता चलती है कि जो पता अर्पिता की इच्छा एंटरटेनमेंट कंपनी का दस्तावेज में दिखाया गया, वही पता कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में कृष्ण गोपाल नाम के दूसरे शख्स के नाम पर है। अब इसी पते की अर्पिता की कंपनी से कमाई का खेल जानना बहुत दिलचस्प है। 2014 में अर्पिता मुखर्जी के डायरेक्टर पद के साथ इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शुरू होती है। 2015 में इसे 2201 रुपए का प्रॉफिट होता है। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव कंपनी दस्तावेज ये बताते हैं कि इसी कंपनी को 2021 में 14,01,930 रुपए का फायदा होता है। 6 साल में 636 गुना फायदा। कागज पर दिखाने वाली अर्पिता की कंपनी इसी कंपनी के पैसे से डायमंड सिटी में 74,75,000 रुपए का फ्लैट भी खरीदती है। डायमंड सिटी वही प्रॉपर्टी है जहां पर अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से ईडी ने 27,90,00,000 रुपए बरामद किए। ये लाखों करोड़ों का खेल उस कंपनी के आधार पर हो रहा जहां सिर्फ एक बारात घर दिखता है। और जानते हैं यहां कौन कौन आता था? लेकिन यहां कोई ना कोई साहब तो आते होंगे ना। पार्थो साहब में दो बार में देखा है। अच्छा, अर्पिता में देखा है। अच्छा, पार्थो साहब को भी देखा, अर्पिता को देखा। अच्छा, यानी जहाँ पार्थ चटर्जी भी आते थे और अर्पिता मुखर्जी भी, जहाँ कंपनी का पता है लेकिन कंपनी का कोई अता पता नहीं। ईडी अब इसी बात की जांच करने में जुटा है। फर्जी कंपनी बनाकर क्या काली कमाई को सफेद करने का काम यहाँ होता रहा, जिसके जरिए पैसा कंपनी का दिखाकर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी गई। मोहम्मद इजबुल्ला के साथ मुनीश पांडे, आज तक। दावा है कि सिर्फ कंपनी फर्जी नहीं थी बल्कि इसका जो डायरेक्टर था वो भी फर्जी था। ये अर्पिता का रिश्तेदार था, पेशे से एक ड्राइवर था और अर्पिता के साथ साथ तीन तीन कंपनियों में निदेशक था। नोट के इस पूरे खेल में आपको अब तक दो चेहरे दिखते आए, एक पार्थ चटर्जी, दूसरा अर्पिता मुखर्जी। एक चेहरा और है, नाम कल्याण थर। ये रहस्यमय चेहरा है। पहले सस्पेंस वाले चेहरे के बारे में जान लीजिए। इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर का नाम अर्पिता मुखर्जी। 2018 में इसी कंपनी में कल्याण धर का नाम भी जुड़ जाता है। आप चौंक जाएंगे यह जानकर कि अर्पिता ने जिस कल्याण धर को अपनी कंपनी में को डायरेक्टर साथ में बनाया वो कौन है। कल्याण धर नाम का शख्स सिर्फ एक नहीं बल्कि एक एक करके अर्पिता की तीन कंपनियों में साथ में डायरेक्टर बनाया जाता है। जानना जरूरी हुआ कि अर्पिता ने जिसे कंपनी में अपने साथ निदेशक बनाया वो कल्याण धर कौन है। क्या कंपनियों से कैश की कहानी में जुड़ा कल्याण धर कोई बिजनेसमैन है? करोड़ों के व्यापार से जुड़ा कल्याण धर क्या वाकई बहुत बड़ा आदमी है? आज तक संवाददाता मुनीश पांडे ने इसलिए दस्तावेज खंगालने शुरू किए। संवाददाता मोहम्मद हिजबुल्ला ने बंगाल में कल्याण धर की जमीन पर खोज शुरू की। उत्तर 24 परगना के बिलगोरिया में आज तक की टीम पहुंची। दावा हुआ यहां पर ही अर्पिता की कंपनियों में साथ डायरेक्टर बनाया गया कल्याण धर रहता है। अर्पिता के फ्लैट से करोड़ों निकलते हैं लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद मामूली से घर में कल्याण धर के रहने की बात पता चली। बड़ा खुलासा कल्याण धर के दोस्त संजय पोद्दार ने किया, जिससे हमने पूछा आखिर कल्याण धर कौन है, क्या करता था। ये क्या करते थे वैसे? गाड़ी का ड्राइवर। गाड़ी का ड्राइवर है? कौन सी, किसकी गाड़ी का? टैक्सी है क्या? फाइबर कार का। हाँ, फाइबर कार का। अच्छा, मतलब फाइबर कार का, मतलब बहुत बड़ा वो, मतलब बिजनेसमैन नहीं है ना। अच्छा, तो ये अपने पास गाड़ी उड़ी है इसका अपना या नहीं है? अपना गाड़ी नहीं है, वो दूसरे का गाड़ी चलाता है। खुलासा होता है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता जिन कंपनियों के मुनाफे से करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदती है
उसी में साथ में डायरेक्टर बनाए गए कल्याणधर असल में ड्राइवर है। कल्याणधर का अर्पिता मुखर्जी से करीबी रिश्ता है। रिश्ता ये कि कल्याणधर की शादी अर्पिता की बहन से हुई। तीसरा सच ये भी सामने आया कि अर्पिता की बहन को भी शिक्षा भर्ती घोटाले के तहत ही नौकरी दिलाई गई थी। इस सच को आप उसी शख्स से सुनिए जो कल्याणधर को बचपन से जानता है। वाइफ टीचर हो गई है। टीचर में? हाँ। ग्रुप डी का काम करता है। ग्रुप डी मतलब शिक्षा विभाग में ही काम करता है। तो कितने दिन पहले काम शुरू किया? एक दो साल होगा। अच्छा, एक दो साल अभी जस्ट ये अर्पिता ने रिसेंट नहीं मिला। हाँ, रिसेंट ही मिला। हाँ, ये आदमी कैसा था वैसे? दादा, ये आदमी कैसा है वैसे? कल्याणधर ये पढ़े लिखे हैं या नहीं? के कल्याणधर नॉन मैट्रिक है। नॉन अच्छा, मैट्रिक भी पास नहीं है। आप कब से जानते हैं? कब से जानते हैं? गर्व से जानता हूँ। हम तो जाके पढ़ा का आदमी क्लास 8-9 तक पढ़ा है। अच्छा, और ये अर्पिता इसकी तो रिलेटिव है ना? हाँ, खाली है। उसको वाइफ का दीदी है। वाइफ का दीदी है। उत्तर 24 परगना में कल्याणधर के बचपन की दोस्त का कबूलनामा बताता है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी पर फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप है। दावा है कि जिन फर्जी कंपनियों के जरिए भर्ती घोटाले के काले पैसे को सफेद करने की कोशिश होती रही। आरोप है कि उन फर्जी कंपनियों में अर्पिता अपनी बहन के पति को ही साथ में डायरेक्टर बनाती है। तीन कंपनियों में उस व्यक्ति को साथ में डायरेक्टर बनाया जो खुद गरीबी में रहता है, पहले ड्राइवर का काम करता रहा। ये खुलासा बताता है कि करोड़ों के भर्ती घोटाले में अभी बहुत सारे राज बाकी हैं, जिनकी तह तक जाने के लिए पिछले 12 दिन में अब तक 5 बार ईडी की टीम छापेमारी कर चुकी है। मुनीश पांडे के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला आज तक। पूरी दुनिया को इस समय जरूरत महसूस हो रही है कि चीन के खिलाफ दस्तक दी जाए, क्योंकि वो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान यात्रा खत्म करके वापस जा चुकी हैं, लेकिन वो जो 20 घंटे का हैंगओवर है वो चीन के दिमाग से उतर नहीं रहा है। वो बार बार ताइवान को धमकी दे रहा है, बार बार अंजाम भुगतने की बात कर रहा है। जिस तरीके से उसने मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर दी थी वो तो एक तरफ है ही, जिस तरीके से उसके जो जेट्स हैं वो ताइवान के आसमान में उड़ान भरते रहे वो भी एक तरफ है, लेकिन हमने जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनसे यह समझने की कोशिश की कि क्या चीन वाकई ताइवान पर हमला कर सकता है। सभी एक मत थे इस बात को लेकर कि चीन हमला करने की स्थिति में नहीं है, उसे 100 बार सोचना होगा। प्रोपेगेंडा वीडियो ये बताता है कि ड्रैगन ताइवान को निगलने के लिए तैयार है। चीन और ताइवान का कोई मुकाबला नहीं है। चीन की नौसेना अमेरिका को टक्कर दे रही है, इसीलिए सवाल भी चौंकाता है कि ताइवान को मसलना क्या चीन के लिए इतना आसान होगा। चीन की सेना ताइवान के चारों तरफ 6 जगह मिलिट्री ड्रिल को अभूतपूर्व बता रही है। बड़ी बात यह है कि ये मिलिट्री ड्रिल ताइवान के तटों से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर हो रही है। पहली बार चीन का स्टील फाइटर प्लेन J-20 खतरनाक मिसाइलों के साथ ताइवान को डराने के लिए तैयार है। नैंसी पेलोसी भले ही ताइवान आकर चली गई, लेकिन ताइवान को दिया गया अमेरिकी भरोसा चीन के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। अब सारी नजरें चीन पर लगी है कि वो ताइवान को हड़पने के लिए क्या करता है। चीन की सेना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करती है, क्योंकि शी जिनपिंग पहले ही इसे अपनी प्राथमिकता बता चुके हैं। चीन पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि चीन के लिए ताइवान को जीतना आसान नहीं होगा। यूक्रेन का उदाहरण सबके सामने है, जिसे अभी तक रूस पूरी तरह से हरा नहीं पाया है। इसी तरह जानकारों को लगता है कि चीन के लिए ताइवान से जंग इतनी आसान नहीं रहेगी। चीन और ताइवान के बीच की दूरी
करीब 130 किलोमीटर है। ऐसे में ताइवान पर हमला करने के लिए चीन को अपने सैन्य जहाजों को भेजना होगा। ऐसा होने पर ताइवान को चीन के हमले का पता चल जाएगा। इन जहाजों को ताइवान के तटों और बंदरगाहों पर पहुंचने के लिए घंटों सफर तय करना होगा, यानी ताइवान के पास इन हमलों का जवाब देने के लिए काफी वक्त होगा। इसीलिए अपनी बड़ी सेना को छिपाना चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। चीन के सामने कोई विकल्प नहीं है, उसको पीछे हटना ही पड़ेगा। उसकी धमकियां जरूर दे रहा है, लेकिन धमकियों में दम नहीं है। उसने साफ तौर पर कहा है जो टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे वो 20 किलोमीटर ताइवान के लैंड बॉर्डर से दूर होंगे, यानी दूसरे लफ्जों में चाइना ताइवान के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं करेगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस ने जरूर लगाई है। ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चीन कहता है, जिसमें ताइवान के अलावा चीन से सटे किनमेन और पेंगु द्वीप भी आते हैं। माना जाता है कि अगर चीन ने हमला किया तो ये द्वीप उसके पहले शिकार होंगे। पूरी आशंका है कि सीमित कार्रवाई के अपने मिशन चीन ताइवान के द्वीपों पर हमला करेगा, जिसके लिए उसने टैंक और बाकी सेना के सामानों को पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। चीन के टैंकों की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। यानी चीन के इरादे क्या है, इसकी खबर ताइवान और अमेरिका को पहले से लग चुकी है। चीन के इसी खतरे को देखते हुए इन दोनों द्वीपों को ताइवान अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर तैयार किया है। ताइवान के इन द्वीपों पर बड़ी संख्या में मिसाइल और तोप तैनात की गई है। इसके अलावा ताइवान ने अपने बंदरगाहों की सुरक्षा की भी तैयारी कर रखी है। जैसे ही चीन की सेना दाखिल होगी उन पर जोरदार हमला होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन का हमला इन द्वीपों पर जोरदार होगा, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर तबाही होगी। लेकिन ताइवान को जीतने के लिए उसे वहां की भौगोलिक चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। ताइवान के बीचों बीच पहाड़ों की चोटियां हैं, जिसके आसपास उसके सारे बड़े शहर और प्रमुख संस्थान हैं। जानकारों को लगता है कि पहाड़ और नदियां चीन के खिलाफ जंग ताइवान की बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि चीनी सैनिकों को ताइवान पर कब्जा करने के लिए हजारों टैंक तोप बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहाड़ और नदियों को पार करना होगा, जो बेहद मुश्किल काम है। चाइना किसी प्रकार से भी ताइवान के पहाड़ों से, उसके नदियों से, नहरों से नहीं चिंतित। उसकी चिंता है कि ताइवान के पास में काफ़ी से ज़्यादा कैपेबिलिटी है बहुत बड़े पैमाने पर चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए। चीन की जो 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ताइवान उसको रिड्यूस करके 6 ट्रिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है। ताइवान के पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, F-16 और मिराजेस, उसके पास हर प्रकार के मॉडर्न हथियार हैं, मॉडर्न एवियोनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट है, और वो एक बहुत बड़ा मिसाइल पावर है। ताइवान चीन के इरादों को बहुत पहले से ही जानता है, इसीलिए वो लगातार चीन के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले कुछ सालों में ताइवान की राष्ट्रपति ने अपनी सेना को F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस किया है। अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद उसमें उड़ान भी भर चुकी है। ताइवान की सेना भले ही चीन के मुकाबले में कम हो, लेकिन उसकी सेना पहले से काफी मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में ताइवान को अमेरिका का भी साथ मिल सकता है, जिसके 20,000 सैनिक घंटे भर दूर ओकिनावा के सैन अड्डे में तैनात हैं। साल 1996 में अमेरिका ने चीन और ताइवान के बीच जंग के हालात अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे थे। मौजूदा हालात में चीन के दो सैन्य जहाज और बेड़े ताइवान के पास तैनात हैं। इसके जवाब में अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में ताइवान की सुरक्षा में तैनात हैं। पूरी संभावना है कि चीन के आसपास अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां घूम रही हैं, जो जंग की हालत चीन पर मिसाइलों से हमला कर सकती है। इस बार भी मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि अमेरिका हर प्रकार से ताइवान की मदद करेगा। इस समय भी नैन्सी पेलोसी के विजिट से पहले उसने अपने 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और काफ़ी ज़्यादा युद्ध बोट्स और हवाई जहाज तैनात किए हुए थे। पूरी फोर्सेज अमेरिका की थी, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में पूरे वॉर अलर्ट पर थे। एक आशंका ये भी है कि चीन मिलिट्री ड्रिल के बहाने ताइवान को सबक सिखाने के लिए उसे दुनिया से काट दे। लेकिन अगर इससे भी बात आगे बढ़ती है तो फिर चीन के खिलाफ सिर्फ अमेरिका ही मोर्चा नहीं खोलेगा, जापान भी इस युद्ध में कूद सकता है, क्योंकि ताइवान के पास चीन का अगला निशाना जापान के द्वीप होंगे। इसीलिए चीन के लिए बात बिगाड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा जैसे ही शुरू हुई थी, वैसे ही चीन ने एक धमकी दी थी। धमकी यह दी थी कि अमेरिका 140 करोड़ लोगों की दुश्मनी मोल रहा है। लेकिन दरअसल इसके पीछे चीन का अपना दर्द था।
यही 140 करोड़ लोगों की जो आबादी है वो उसके हाथ बांध देगी किसी भी तरह का आक्रमण ताइवान पर करने से पहले, क्योंकि रूस से अलग चीन की जो गोल्स हैं वो आर्थिक है, वो दुनिया पर एक आर्थिक सुपर पावर की तरह भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है, उसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इसके लिए अगर अमेरिका और बाकी देश ताइवान पर हमला करने के कारण उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो चीन की स्थिति वैसी नहीं रह जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था चूर चूर होगी। वो इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा है। चीन की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। इस दौरान चीन के विमान ताइवान की सीमा में भी घुसे और उसके आसमान के आसपास मंडराते रहे। यही नहीं, गुस्साए चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर इस हरकत पर एतराज जाहिर किया। यहां तक कि नैंसी पेलोसी के निकलने से पहले चीन ने ताइवान को घेर कर उसके एयर स्पेस को लॉक कर दिया, फिर भी नैंसी पेलोसी को वो दक्षिण कोरिया जाने से नहीं रोक पाया। सवाल है क्यों? क्यों ताइवान से ताकतवर चीन ने फौरन जवाबी कार्रवाई नहीं की और क्यों उसकी सारी धमकियां मिलिट्री ड्रिल तक जाकर रुक गई? इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की तरक्की है। अमेरिका ने चीन के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। अगर वो हमला नहीं करता है तो शी जिनपिंग जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? और अगर चीन की सेनाओं ने ताइवान को यूक्रेन बनाया तो फिर चीन बर्बाद हो जाएगा। आखिर कैसे चीन के लिए रूस की तरह हमला करने का विकल्प चुनना आसान नहीं होगा, उसकी वजह समझते हैं। चीन ने बीते कुछ दशकों में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक इंडस्ट्री जैसे उद्योगों के जरिए विकास की नई कहानी लिखी है। आज चीन दुनिया की फैक्ट्री है। दुनिया का 28% सामान अकेले चीन बनाता है। इस मामले में वो अमेरिका से भी काफी आगे है। दुनिया के निर्यात में भी चीन का हिस्सा करीब 15% है, जो अमेरिका और जर्मनी से करीब करीब 2 गुना है। चीन भले ही अमेरिका को पीछे करना चाहता हो, लेकिन अमेरिका के साथ उसके कारोबारी संबंध बहुत गहरे हैं। यूरोप के अमेरिकी दोस्त चीन के बड़े ग्राहक हैं। अब सोचिए, युद्ध की स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगी देश क्या चीन की इस कमजोर नस को नहीं दबाएंगे? कहने की जरूरत नहीं है कि इससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा। रूस की इकोनॉमी में बड़ी हिस्सेदारी तेल और गैस की सप्लाई की है, जिसे उसने भारत और चीन जैसे देशों की मदद से संभाल लिया। लेकिन चीन अगर ताइवान से जंग लड़ता है तो उस स्थिति में उसका संभलना और कठिन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चीन आर्थिक विकास के जिस पड़ाव पर है, वहाँ पर युद्ध में उतरने को समझदारी नहीं मानेगा। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।